हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक क्वेश्चंस को लेके। और ये जो बैक क्वेश्चंस है, ये 2018 का है, बीएचयू बीएफए का 2018 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का बैक क्वेश्चंस है, ठीक है, बैचलर इन फाइन आर्ट। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और फिर से एक बार बता दूँ कि 2012 से लेके 2017 तक के बैक क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको 2012 से लेके 2017 तक के बैक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फटाफट लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम क्योंकि नज़दीक ही आ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 18 यू लिखा हुआ, इसका मतलब है 2018 का ये बैक क्वेश्चंस है। यहाँ पर रोल नंबर आपको लिखना है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो एग्ज़ाम में मिलेगा वो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे रोल नंबर लिखना है आपको, उसके नीचे सीरियल नंबर लिखना है, फिर सेंटर कोड लिखना है, फिर डे एंड डेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, तो आप लोग के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो पढ़ लेना इसको अच्छे से, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए कि क्या कैसे क्या प्रोसेस है, मतलब क्या चीज़ें हैं, वही सब के बारे में लिखा हुआ कैंडिडेट को लेके। तो मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देती हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद कुछ पूछना हो तो देन पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा। उसके बाद गाइज एक पेज दिया जाता है आपको रफ़ करने के लिए, एक फ्रंट में दिया जाता है और एक एकदम लास्ट में दिया जाता है, ठीक है। दो पेज मिलेंगे आप लोग को, आप उस पर रफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसमें कुछ भी किसी भी तरह का निशान लगाने से मना किया जाता है। इवन पेंसिल से भी आप निशान नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना होता है, आप पेंसिल से भी निशान नहीं लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था कि सिर्फ 2017 ही ऐसा ईयर था जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी हर ईयर में सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो एक बार 2017 का पूरा वीडियो दो पार्ट में है, 60-60 करके क्वेश्चन है, ऑलरेडी अपलोडेड है, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब काफ़ी पूछे गए हैं, तो लर्न ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चंस 2018 में पूछे गए, जिसका एक घंटे का समय मिला और 150 नंबर का है ये क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यहाँ पे नोट में जो लिखा है वो बता दूँ, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक नंबर की माइनस मार्किंग होती है, और किसी एक आंसर का जवाब नहीं देते तो उस पर आपको 0 नंबर मिलेंगे। और जो और यहाँ पे एक और चीज़ जो सेकेंड नोट में कहा गया है कि जो निकटतम आंसर हो क्वेश्चन का उसी को टिक किए, उसी को टिक करें, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको बोल दूँ कि प्लीज़ बैक क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस अच्छे से पूरा लर्न करें, क्योंकि बैक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर से कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी रिपीट क्वेश्चंस उससे एक एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर आप पूरा पिछले 10 साल का बैक क्वेश्चंस लर्न करते हैं तो उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैच कर जाएंगे आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ, और आपको प्रोवाइड भी करा दिया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि गाइज यूजुअली हर लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि और भी कोई चैनल पर आपको बैक क्वेश्चन जल्दी मिलेंगे, ठीक है। मैं एकदम से गारंटी नहीं लेती कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, लेकिन लगभग आप देखोगे तो जल्दी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे आपको मिल रहा है तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का, इस अपॉर्चुनिटी का। तो आप जाइए और लर्न कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है 2018 का, वो कौन सी गुफाएं हैं जिसमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध्य निरूपित हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर है, एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा रंग तमस को प्रदर्शित करता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए ये कितनी बार क्वेश्चंस आ चुका है राजा रवि वर्मा को लेके। ऑप्शन 2, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को लेके गाइस बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछे गए। तो एक बार राजा रवि वर्मा की जीवनी के बारे में भी आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक है, नेट पे आसानी से मिल जाएगा आपको जीवनी, तो उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। और हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी कि इन पर मूवी निकली है, तो रंगरसिया है शायद मूवी का नाम, तो एक बार आप मूवी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग ने भी अपने टाइम पर देखा था, ताकि आपको अच्छे से
पता चल जाए कि उनकी जीवनी का क्या क्या है, उन्होंने कैसे आगे बढ़े, कैसे इस फील्ड में अपना नाम कमाए। तो एक बार मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, और किया भी जाता है, जब भी आप ट्यूशन पढ़ोगे तो आपको सजेस्ट किया जाए। जैसे मोहन जोदड़ो है तो उस पर भी मूवी निकली, आप वो भी देख सकते हैं। राजा रवि वर्मा पर भी मूवी निकली है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, जल एवं तेल रंगों का मिश्रण। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन सी रेखा का विशेषक गुण नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, घनत्व। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कला में अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन से महाद्वीप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, एशिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष की मूर्ति के रचनाकार कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीके का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, राम किंकर बैज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, हंस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इनमें से कौन प्रथम पोस्टर डिजाइनर माना जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इनमें से कौन प्रथम पोस्टर डिजाइनर माना जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, सेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूरोपीय चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, जॉन कॉन्स्टेबल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रिलीफ चित्रकला का विरोधी बताइए। ठीक है, रिलीफ चित्रकला का विरोधी है इंटेग्लियो। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इंटेग्लियो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, त्रिमूर्ति के सौंदर्य के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बता दो, जो त्रिमूर्ति है ये ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाई गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये त्रिमूर्ति में कौन कौन देवताओं को दर्शाया गया है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ग्राफिक्स का संबंध है, यहाँ पूछ रहा है ग्राफिक्स का संबंध किससे है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, एचिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसे आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है। देखिए फिर से रिपीट है, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है 1, सेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन तांत्रिक चित्रकार है, ये भी रिपीट किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, G.R. संतोष। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेफाइट किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को भी लेके बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, पेंसिल लीड को। पेंसिल लीड के अंदर जो रहते हैं ब्लैक कलर का, जिससे हम काम करते हैं, वही ग्रेफाइट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए। ऑप्शन 2 बनीठनी। देखिए मैंने बोला था बनीठनी से भी क्वेश्चन आते, जैसे राधा कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है बनीठनी को, जो किशनगढ़ शैली का है और बहुत ही फेमस पेंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, और ये भी रिपीट पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, भारतीय फेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक मिश्रण रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, चूना एवं बालू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मुगल सहनशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, जहांगीर, क्योंकि जहांगीर बहुत ही मंझा हुआ कलाकार माना भी जाता था, और इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण भी हुआ है।
ठीक है। और पढ़ लीजिएगा मुगल शैली, मैंने उसमें भी पूरा अच्छे से हर जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं सबके बारे में अच्छे से बताया है, वो भी डिटेलिंग में बताया है, तो एक बार जाके जरूर पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग तो चैप्टर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध भारत माता नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन 2, A.N. टैगोर ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुल गीत को किसने लिखा है? ठीक है, तो जो कुल गीत को लिखा है उनका नाम है ऑप्शन 1, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा कुलगुरु है विश्वविद्यालय का काशी का, उसको लिखा है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने। और कुल गीत का जो गाना है मधुर मनोहर अतीव सुंदर की राजधानी, ठीक है, ये सॉन्ग है, एक बार आप लोग अगर चाहो तो नेट पे सर्च करके ये सॉन्ग सुन सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग के बारे में भी लिख देगा कि हाँ मधुर मनोहर अतीव सुंदर की सर्व विद्या राजधानी, राजधानी ऐसे करके है। कहाँ का कुलगीत है तो ये भी पूछ सकता है आपको, तो आपको लिखना होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत है, तो एक बार आप जाके ये कुलगीत सुन लीजिएगा तो आपको मतलब ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यूरोपीय आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम वाद से उत्पन्न हुई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, प्रभाववाद। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन थ्री इज़ द राइट आंसर, जातक कथाएं। और टोटल जातक कथाएं जो है वो 547 है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा को लेकर चित्रित किया गया है। जातक कथाएं का मतलब ही है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, और टोटल जातक कथाएं हैं 547। और देखिए फिर अजंता, अजंता का हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए कह रही हूँ बार बार अजंता के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, शैली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। भारत भवन भोपाल में स्थित है, भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चित्रलक्षण के चित्रकार कौन है? तो चित्रलक्षण के चित्रकार जो है ऑप्शन 2, नगनजीत, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन 3D कला के अंतर्गत आता है? रिपीट क्वेश्चन है ये, मूर्ति कला, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन ब्रोकेड के समीप है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? तो प्रागैतिहासिक में जो सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं ऑप्शन 1, पशु, पशुओं के चित्र बने हैं, और वह उस समय पशुओं को आखेटों के नाम से भी जाना जाता था। आखेट का मतलब होता है, ये भी बता दूँ, शिकार करते हुए चित्र, ठीक है, क्योंकि प्रागैतिहासिक के लोग मोस्टली जो पशुओं को शिकार करके उसका भोजन करते थे, उससे औजार बनाते थे, तो उसी को आखेट कहते हैं। और इस तरह से भी रहेगा कि सबसे ज़्यादा आखेट के चित्र कहाँ मिले, तो प्रागैतिहासिक में, या प्रागैतिहासिक में सबसे ज़्यादा किससे संबंधित चित्र मिले हैं, ऑप्शन में आखेट रहेगा, तो आखेट को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक होर्डिंग की तुलना में पोस्टर कैसा होता है? रिपीट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन 3, छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंट में कौन सी प्रविधि का निषेध है?
तो आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, फ्रेस्को पेंटिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, चित्रकला की कौन सी परंपरा में रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी हुई है, ये भी रिपीट पूछा गया है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, गोथिक कला। गोथिक कला सही आंसर है गाइस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार का नाम क्या था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लोगो से क्या आशय है, जो लोगो डिज़ाइन किया जाता है ठीक है उससे क्या आशय है ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, उत्पाद का फैशन ग्रस्त नाम। ठीक है, उत्पाद का फैशन ग्रस्त नाम सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, गीतांजलि के रचनाकार कौन है, ये भी रिपीट है पूछा गया है। तो गीतांजलि की जो रचनाकार हैं R.N. Tagore, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, R.N. Tagore। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बारंबार दोहराती घटना एवं संगीत से जुड़े किसी रेडियो विज्ञापन को क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, छनछनाती सहज कविता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, वास पद्धति। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टर वासुदेव सरन अग्रवाल की पहचान क्या है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, कला इतिहासकार, ये कला इतिहासकार हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये भी रिपीट है। तो भगवान बुद्ध का जन्म ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, लुवनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है, और ये भी शायद रिपीट पूछा गया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, रणवीर सी विस्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, यह देशभक्ति ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी किसने लिखा है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, प्रदीप ने। और जितने भी नारे हैं गाइस उसको भी लेके वीडियो बना हुआ है, और सारा बताया है मैंने कि कौन सा नारा जो है किसने लिखा है, किसने बोला है। तो एक बार जाके आप ज़रूर वीडियो देख लें, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, यह कौन सा स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रसानुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में व्यापक उल्लेख है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्माण करती है। ठीक है, ये मैथ से क्वेश्चन है, तो 180 डिग्री का निर्माण करती है, ऑप्शन 4। और ये बहुत ही मतलब कॉमन है, मतलब दो बिंदुओं के बीच 180 डिग्री का ही निर्माण करेगी, हर लोगों को आता ही होगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत के एक प्रसिद्ध सेंड पर मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार का नाम बताएं। तो सही आंसर है ऑप्शन 3, सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अजंता के कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, गुफा संख्या 29। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, उस भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताएं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, डॉक्टर फारुक उद्दीन अहमद खान। नेक्स्ट एंड लास्ट
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग प्राथमिक रंग है? पहला है भूरा, दूसरा है नारंगी, तीसरा है हरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक रंग जो है आपका लाल, नीला और पीला है। यहाँ पे ऑप्शन में ना लाल है, ना नीला है, ना पीला है। तो ये रहा गाइस 50 क्वेश्चन 2018 में, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे रिपीट पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान होता है, मैं पढ़ाते रहती हूँ, बताती हूँ, तो मुझे ध्यान होता है कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट पूछा गया, रिपीट पूछा गया, तो मैं बोलती भी चली जाती हूँ। तो और आप जब बोलने के दौरान आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो रिपीट पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ, बैक क्वेश्चंस का एक भी क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, सारा का सारा ज़रूर लर्न कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितनी मेहनत मुझे लगती है बनाने में, प्लीज़ आप लोग देखिए, और घर बैठे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है गाइस। अब बहुत लोग ट्यूशन्स पढ़ते हैं, इतना सब करते हैं तो मिलती है, आपको घर बैठे मिल रही है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जो COVID-19 के कारण कोचिंग ले भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण कोचिंग ले नहीं पाते और बहुत किसी को पता नहीं होता है, तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को प्रोवाइड हो सके BFA से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है और जो भी प्रिपरेशन है। तो आई होप, बस यही आशा करूँगी कि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छा लग रहा हो, और भी ऐसे वीडियोज़ अगर आप लोग चाहते हैं चैनल पर मिलते रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।